हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इज़ टॉपिक ऑन पीडियाट्रिक नर्सिंग। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था आपका बर्थ एस्फेक्सिया के बारे में, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और पेरिनेटल एस्फेक्सिया के बारे में। आज हम शुरू करेंगे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं बर्थ एस्फेक्सिया के, देखिए उसके बारे में आपको दो बातें बताई गई हैं कि 90% जो केसेस हैं बर्थ एस्फेक्सिया के वो हमें देखने को मिलते हैं प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से, और जो 10% केसेस हैं बर्थ एस्फेक्सिया के वो हमें देखने को मिलते हैं पोस्टनेटल फैक्टर की वजह से। पोस्टनेटल फैक्टर यानी आफ्टर बर्थ, ठीक है, आफ्टर बर्थ कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाएं जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलेंगे, लेकिन 90% बेबी को बर्थ एस्फेक्सिया प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी का मतलब समझते हैं सबसे पहले क्या होता है। प्लेसेंटा एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो मदर टू बेबी न्यूट्रिएंट, ब्लड, ऑक्सीजन, हर चीज़ ट्रांसफर करवाती है। इनसफिशिएंसी का मतलब इनएडिक्वेसी आप बोल सकते हो, ठीक है, यानी प्लेसेंटा को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ही नहीं मिल रही है तो वो बेबी तक क्या पहुंचाएगा। इसका रीज़न आपके एंटीपार्टम और इंट्रापार्टम फैक्टर्स हो सकते हैं। एंटीपार्टम फैक्टर यानी वो टाइम पीरियड जब एक मदर क्या है प्रेग्नेंट है। इंट्रापार्टम क्या, इंट्रापार्टम पीरियड होता है आपका ड्यूरिंग द डिलीवरी, ठीक है, तो उस दौरान कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई इन एडिक्वेट मिलेगी या प्रॉपर नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, बर्थ एस्फिक्सिया देखने को मिल सकता है। देखिए ये जो फैक्टर्स हैं आपके तीनों, एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम और पोस्टनेटल, ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके फॉर फेलियर ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। या तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर को फेल कर सकते हैं या फिर आपका फेलियर ऑफ पल्मनरी एक्सपेंशन फेल कर सकते हैं आपके पल्मनरी यानी लंग्स को एक्सपेंड होने से, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं तो आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कोलेप्स हो जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी आपका हार्ट, हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वो कोलेप्स हो सकता है और आगे जाके आपको बर्थ एस्फेक्सिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो हम पढ़ते हैं ये जो फैक्टर्स हैं आपके एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम और पोस्टनेटल फैक्टर्स क्या क्या हैं जो हमारे बर्थ एस्फेक्सिया को कॉज करने का कारण बनते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं आपके एंटीपार्टम फैक्टर, इंट्रापार्टम फैक्टर और पोस्टनेटल फैक्टर्स। तो शुरुआत करते हैं एंटीपार्टम फैक्टर। एंटीपार्टम फैक्टर में मेनली आपको प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, इनएडिक्वेसी देखने को मिलेगी। किस वजह से मिलेगी वो हम पढ़ते हैं। ये कुछ कंडीशंस हैं जो आप फाइनल ईयर में भी पढ़ोगे और यहाँ पे भी मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले है प्री एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया एक ऐसी कंडीशन होती है प्रेगनेंसी के दौरान मदर को हाइपरटेंशन की दिक्कत देखने को मिले, तो उस वजह उस चीज को बोलते हैं आप प्री एक्लेम्पसिया। इसमें जो मदर का बीपी होगा वो आपका 140 से अबो होगा, ठीक है, और एनीमिया जब हो। देखिए ये सारी कंडीशन है जो प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बीपी की प्रॉब्लम होगी आपकी, एनीमिया हो गया, अगर मदर के अंदर ही आपका ब्लड एचबी की कमी है तो वो बेबी के पास आपका कम ही पहुंचेगा। उसके बाद है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस अगर किसी मदर को है, पोस्ट मैच्योरिटी है या फिर इन्फेक्शन है, ठीक है, तो ये सारे रीज़न बन सकते हैं आपके प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के जिसकी वजह से आपका बर्थ एस्फेक्सिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। इंट्रापार्टम फैक्टर्स में देखिए क्या होता है। इंट्रापार्टम फैक्टर के अंदर सबसे फर्स्ट चीज़ आती है फिटल डिस्ट्रेस। फिटल डिस्ट्रेस का मतलब क्या है, जब बेबी मदर के वॉम के अंदर है तब तक आप उसको फिटस बोलते हो। डिस्ट्रेस का मतलब उसको ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से डिस्ट्रेस यानी डिस्टर्बेंस देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद है प्रीटर्म लेबर। प्रीटर्म आपको पता है क्या है, 38 वीक से पहले पहले अगर कभी भी लेबर की कंडीशन या डिलीवरी की कंडीशन आती है तो उसको आप क्या बोलते हो, प्रीटर्म लेबर। एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब आपको पता है क्या, ब्लीडिंग होना एंटीपार्टम यानी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। किसी भी वजह से अगर क्या हो रहा है, मदर को ब्लीडिंग देखने को मिल रही है वजाइना से, तो उस चीज़ को आप क्या बोलोगे, एंटीपार्टम हेमरेज। या फिर एक रीज़न और हो सकता है आपका प्रोलॉन्ग्ड लेबर। प्रोलॉन्ग्ड लेबर का मतलब क्या है, लेबर का जो नॉर्मल टाइम है उससे ज़्यादा टाइम अगर आपको लग रहा है डिलीवरी करवाने में बेबी की, तो उसको आप क्या बोलते हो, प्रोलॉन्ग्ड लेबर। इस वजह से भी क्या हो सकता है, बेबी के अंदर बर्थ एस्फेक्सिया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट कंडीशन है कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स आपका क्या होता है, बेबी के आने से पहले, ठीक है, बेबी का हेड सबसे पहले आता है वजाइना के थ्रू, लेकिन अगर वहाँ पे आपको क्या देखने को मिले, कॉर्ड देखने को मिले, अम्बिलिकल कॉर्ड पहले आ जाए, ठीक है, उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, कॉर्ड प्रोलैप्स। तो इन सारी ही कंडीशन में क्या होगा, बेबी को क्या देखने को मिलेगा, फिटल डिस्ट्रेस या फिर प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, ठीक है, जिसकी वजह से वो आफ्टर बर्थ सांस लेने में उसको दिक्कत हो सकती है। पोस्टनेटल फैक्टर्स के बारे में देखिए पढ़ते हैं। पोस्टनेटल फैक्टर्स आपके क्या होते हैं, सबसे पहले इसमें दिखाया गया है आपको कि एबनॉर्मलिटीज ऑफ नियोनेट,
ये क्या है, बेबी के अंदर ही एबनॉर्मलिटी अगर हो, पल्मनरी की उसके लंग्स प्रॉपर बने ना हो, ठीक है, या लंग्स का साइज आपका डिफरेंट हो, लंग्स फंक्शन ना कर पाए आफ्टर बर्थ, या फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका हार्ट और ब्लड वेसल्स के अंदर कोई डिफेक्ट हो, या फिर न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी हो जिनकी वजह से क्या हो, बेबी इनिशिएट ना कर पाए ब्रीथिंग को, ठीक है, या फिर एस्पिरेट कर जाए बेबी कुछ जिसकी वजह से उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए या ब्लॉक हो जाए, उसकी वजह से भी बेबी सांस लेने में उसको दिक्कत होगी। नेक्स्ट है शॉक की कंडीशन, या फिर क्या देखने को मिले आपको बेबी के अंदर शॉक, ठीक है, वही आपका क्या लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई अगर देखने को मिल रही है, तो ये वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से बर्थ एस्फिक्सिया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्फिक्सिया। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आप देखिए, पहले आपने पढ़ा है एस्फेक्सिया के बारे में, एस्फेक्सिया क्या होता है, जब बेबी इनिशिएट ना कर पाए रेस्पिरेशन को या फिर मेंटेन ना कर पाए, ठीक है, और प्लस में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, हाइपर कैपनिया देखने को मिलेगा, यानी ऑक्सीजन की कमी होगी और CO2 का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इन कंडीशंस को आप क्या बोलते हो, एस्फेक्सिया कंडीशन बोलते हो। तो देखिए इसके अंदर हमने क्या लिखा है आपका पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, इनिशियल डेप्रिवेशन ऑफ ऑक्सीजन। इनिशियल डेप्रिवेशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, जब बेबी को मतलब आफ्टर बर्थ सांस लेने में कमी होगी या फिर ऑक्सीजन की कमी होगी, इनिशियली जब ऑक्सीजन का डिप्रिवेशन या लैक कमी महसूस होगी तो उसकी वजह से बेबी के अंदर क्या चेंज आएगा, बेबी रैपिडली ब्रीथिंग करना शुरू करेगा, ठीक है, शुरुआत के दौर में, शुरुआत में अगर ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रही है तो वो रैपिड ब्रीथिंग करने की ट्राई करेगा, लेकिन अगर एस्फेक्सिया कंटिन्यू रहता है तो जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएंगी, ठीक है, उसके बाद हार्ट रेट बिगेन टू फॉल्स, हार्ट रेट बिगेन टू फॉल्स, अगर रेस्पिरेट ही नहीं कर पाएगा बेबी तो जो उसकी हार्ट रेट है वो भी क्या हो जाएगी, नीचे गिरने शुरू हो जाएगी विद ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ न्यूरोमस्कुलर टोन, ठीक है, प्लस में क्या होगा, जो बेबी है उसकी जो न्यूरोमस्कुलर टोन है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी। तो ये तीन चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, क्या होगा, रेस्पिरेशन आपकी स्टॉप हो जाएगी, हार्ट रेट आपकी कम हो जाएगी और न्यूरोमस्कुलर टोन है जो वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, इस अगर ये तीनों चीज़ देखने को मिल रही हैं तो बेबी एंटर कर रहा है आपका पीरियड ऑफ प्राइमरी एपनिया के अंदर, ठीक है, तो इस कंडीशन को मतलब ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, इन दिस स्टेज स्टिमुलेशन एंड एक्सपोजर टू ऑक्सीजन में स्टार्ट रेस्पिरेशन। अगर आप बेबी को स्टिमुलेट करोगे, जैसे टैक्टाइल स्टिमुलेशन हो गया, हाथ पैरों पे उसको मारोगे, पीठ को रब करोगे, या और उसको ऑक्सीजन अगर आर्टिफिशियल आप देने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि बेबी रेस्पिरेशन को शुरू कर दे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही ये सारी चीज़ें शुरुआती दौर में देखने को मिलेंगी, इसको आप क्या बोलते हो, प्राइमरी एपनिया, ठीक है, लेकिन आपने स्टिमुलेट भी किया, एक्सपोजर भी दिया ऑक्सीजन का, उसके बाद भी रेस्पिरेशन शुरू नहीं हो रही है, जिसको आप बोलोगे बट इफ एस्फेक्सिया कंटिन्यू, अगर एस्फेक्सिया फिर भी कंटिन्यू रहता है तो नियोनेट क्या करेगा, नियोनेट डेवलप डीप गैस्पिंग रेस्पिरेशन, तो उसको कभी कभी डीप रेस्पायर आएंगी, ठीक है, हार्ट रेट है वो उसकी और ज्यादा नीचे गिर जाएगी, बीपी कम हो जाएगा, बेबी बिल्कुल फ्लैसिड बिल्कुल हार्ड हो जाएगा और रेस्पिरेशन है वो क्या हो जाएंगी, बिल्कुल वीक हो जाएंगी, तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, बेबी एंटर इन टू द सेकेंडरी एपनिया, ठीक है, फर्स्ट एपनिया था एक तो प्राइमरी एपनिया, सेकेंड एपनिया, ठीक है, यानी बस वही तीनों चीजें आपकी यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगी, और ज्यादा डिक्रीज देखने को मिलेंगी, और क्या हो जाएगा आपका, बेबी बिकम अनरेस्पॉन्सिव टू स्टिमुलेशन, ठीक है, मतलब अगर आप स्टिमुलेट करने की कोशिश भी करोगे तो बेबी कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा सेकेंडरी एपनिया की कंडीशन में, ठीक है, और विल नॉट स्पॉन्टेनियसली रिज्यूम रेस्पिरेटरी इफेक्ट, ना ही रेस्पिरेशन एफर्ट वो लगा पाएगा, ठीक है, तो आपने अब क्या करना है, अनलेस रीससिटेशन विद असिस्टेड वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजन इज इनिशिएटेड इमीडिएटली, तो जब वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा स्टिमुलेशन को लेके और ना ब्रीथिंग शुरू कर रहा है, तो आपको क्या शुरू कर देना है, रीससिटेशन की प्रोसेस शुरू कर देनी है, जिसमें आप साथ में क्या दोगे, वेंटिलेशन दोगे, ऑक्सीजन दोगे, ये चीज़ें आपको तुरंत ही शुरू कर देनी है, रीससिटेशन की प्रोसेस, ठीक है, तो ये है आपका मतलब जो बर्थ एस्फेक्सिया है, प्राइमरी एपनिया क्या है, सेकेंडरी एपनिया क्या है, और उनके अंदर आपको क्या करना होता है। नेक्स्ट आपका क्लिनिकल फीचर्स, जो आपके क्लिनिकल फीचर्स हैं वो डिपेंड करते हैं आपके इटियोलॉजी पे, ठीक है, कि किस वजह से बर्थ एस्फिक्सिया आपको देखने को मिल रहा है, या फिर इंटेंसिटी पे, ठीक है, कि कितनी हद तक देखने को मिल रहा है, या फिर ड्यूरेशन ऑफ ऑक्सीजन लैक, कितने टाइम तक बेबी को ऑक्सीजन नहीं मिली है, या फिर किस पे डिपेंड करेंगे, आपके प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल के ऊपर, या फिर एसिडोसिस पे, ठीक है, कितना एसिडोसिस हो चुका है, तो इन इन चीज़ों पे आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिपेंड करेंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब देखिए आगे आपका क्लिनिकल जो फीचर्स हैं,
इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में हम आपके क्लिनिकल फीचर्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज़।